हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है काफी हार्ड वर्किंग टाइप के नेचर को। और साथ ही साथ फिंगर्स यहाँ पर काफी थिक नजर आ रही हैं, जो काफी अच्छी एनर्जी और स्टैमिना को दर्शा रही हैं। अब देख सकते हैं फिंगर्स की जो बेस फैलेंजेस हैं यहाँ पर काफी थिक हैं, मीडियम साइज में है फिंगर्स। और अगर हम पर्टिकुलर फिंगर्स की लेंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा है एज कंपैरेटिवली बृहस्पति फिंगर के। सूर्य फिंगर यहाँ पर शनि फिंगर का जो टॉप फैलेंज है उसके हाफ को भी क्रॉस कर रही है, काफी ऊपर तक पहुंच रही है, जिस वजह से इनकी क्रिएटिविटी काफी अच्छी रहेगी। काफी अच्छा स्ट्रांग सोशल सर्कल व्यक्ति का बन जाता है जब सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी हो। साथ ही साथ ज्यादा लंबाई वाली सूर्य फिंगर के होने से व्यक्ति एडवेंचरस नेचर का होता है, रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी व्यक्ति की रहती है, लाइफ में बड़े बड़े डिसीजंस ऐसा व्यक्ति रिस्क लेकर कर सकता है, और इवन इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति रिस्क लेते हुए देखे गए हैं। जैसे अपनी जो इनकम है, अपनी मनी है, उसको ऐसी जगहों पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर पैसे के लॉस होने के भी चांसेस हों, जैसे क्रिप्टो करेंसीज हैं या फिर शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट वगैरह है। और ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को क्रिएटिव और अच्छा सोशल सर्कल तो जरूर देता है। और आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अपनी फैमिली से यानी अपनी पेरेंट्स वाली फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है, चाहे स्टडीज के लिए ऐसा व्यक्ति हॉस्टल में रहे या फिर बाद में अपनी जॉब की वजह से अपने घर से दूर रहे, इस तरह के चांसेस रहते हैं। ओवरऑल बृहस्पति माउंट इनका स्ट्रांग है, जिस वजह से कोई ज्यादा दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही। और आप देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट है, जो एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को इंडिकेट करती है, काफी मेहनती यह अपनी लाइफ में रहने वाले हैं। और आप देख सकते हैं इनकी जो मर्करी फिंगर की जो लेंथ है काफी अच्छी है, यहाँ तक यानी कि सूर्य फिंगर के फर्स्ट फैलेंज तक यह फिंगर लंबाई में पहुंच रही है, जो इन्हें काफी अच्छी क्रिएटिविटी और काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देने वाली है। ओवरऑल फिंगर्स काफी पॉजिटिव हैं, फिंगर्स के ऊपर खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, आप देख सकते हैं इस तरह की रेखाएं जो यहाँ पर इंडिकेट करती हैं कि काफी ज्यादा फ्रेंडली टाइप की नेचर इनकी रहेगी। लगभग सभी फिंगर्स के ऊपर ऐसी रेखाएं नजर आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी रेखाओं को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका मर्करी माउंट हल्का लो सेट है, जबकि सूर्य माउंट, शनि माउंट और बृहस्पति माउंट तीनों ही काफी अच्छी स्पेस ले रहे हैं और काफी हाई सेट नजर आ रहे हैं। मर्करी माउंट का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई नेचर दे सकता है, लेकिन अदरवाइज यहाँ पर मर्करी माउंट उभरा हुआ है और इस माउंट के ऊपर काफी सारी खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। इस तरह की लाइंस का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफी ज्यादा सिंपैथेटिक नेचर रखने वाला होता है, दूसरों की हेल्प करने वाला होता है। और इस तरह की लाइंस अगर 6 से 7 मौजूद हों तो इन्हें मेडिकल स्टिग्माटा का नाम दिया जाता है, और ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी तरह से लोगों की हेल्प या सोशल वर्क करने के रुचि रखते हैं, तो यहाँ पर इस तरह के चांसेस भी रहेंगे। और काफी अच्छी तरह से यह रेखाएं जो हैं व्यक्ति के जो बिजनेस क्वालिटीज हैं उनको एनहेंस करती हैं यह रेखाएं। और इवन यह जो आप देख सकते हैं मर्करी लाइन इनके हाथ में मौजूद है, बेशक बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है, यहाँ पर कुछ इस तरह की मर्करी लाइन्स नजर आ रही हैं जो व्यक्ति के बिजनेस एक्यूमेन को भी एनहेंस करती हैं। आगे बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। सूर्य माउंट यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है अंदर की तरफ, लेकिन सूर्य रेखा मौजूद है, जो बहुत अच्छी चीज है। आप देख सकते हैं
इस तरह की डीप कट सूर्य लाइन, और इवन यहाँ पर भी एक रेखा जो सूर्य माउंट की तरफ बढ़ती हुई आगे चलकर शनि माउंट की तरफ टिल्ट कर रही है। इस तरह की रेखा होने से व्यक्ति का सोशल सर्कल काफी अच्छा रहता है, और ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज में चलकर काफी ज्यादा फेम भी पा लेता है, यानी काफी अच्छी रिकॉग्निशन ऐसे व्यक्ति की सोसाइटी में रहने के चांसेस रहते हैं। ओवरऑल सूर्य माउंट बहुत ज्यादा उभरा हुआ नहीं है, और सूर्य माउंट के ऊपर ही एक पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन होती हुई, यह जो एक रेखा आप देख सकते हैं, इस तरह की जो रेखा आपको नजर आ रही होगी, एक गोलाई वाला जो चिन्ह है, इसे गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है। इस तरह का चिन्ह होने से व्यक्ति की नेचर थोड़ी सी मूडी हो सकती है, क्रिएटिविटी ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी रहती है, आर्टिस्टिक माइंडेड व्यक्ति होता है, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े काम कर सकता है। अगर यह पूरा कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस बने तो और भी ज्यादा प्रभावशाली होता है, लेकिन यहाँ पर यह अधूरा बन रहा है, इसकी वजह से थोड़ी सी मूडी नेचर और मूड स्विंग्स की दिक्कत का भी इन्हें सामना करना पड़ सकता है। आगे आप देख सकते हैं इनके शनि माउंट को, शनि माउंट यहाँ पर थोड़ा दबता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से काफी मेहनत लाइफ में रहेगी, और शनि रेखा यहाँ पर काफी स्ट्रांग है, जो इन्हें काफी अच्छे बेनिफिट देने वाली है। इस तरह की शनि रेखा, एक लंबी शनि रेखा होने की वजह से व्यक्ति को लाइफ में हर तरह के कंफर्ट्स मिल जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में खूब तरक्की भी करता है, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरी रेखा है यह भी शनि माउंट की तरफ टिल्ट कर रही है कुछ इस तरह से, यह एक तरह से असिस्टेंट फेट लाइन का काम करती है, और ऐसा व्यक्ति काफी भाग्यशाली होता है जिसके हाथ में इस तरह की दो रेखाएं मौजूद हों। आगे देख सकते हैं इनके गुरु माउंट को, गुरु माउंट यहाँ पर काफी उभरा हुआ है, एक प्रोमिनेंट बृहस्पति माउंट, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति काफी स्पिरिचुअल माइंडेड रहेगा, और आप देख सकते हैं इनके गुरु माउंट पर कुछ इस तरह की एक रेखा आपको नजर आ रही होगी। अगर कंप्लीट ये हो जाए तो इस तरह से एक गुरु वल्या बना लेती है। गुरु वल्या का मीनिंग होता है कि ऐसा व्यक्ति काफी स्पिरिचुअल माइंडेड रहेगा, और दूसरों की हेल्प करने वाला, और सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी, और धार्मिक लोगों के साथ ऐसे व्यक्ति का उठना बैठना रहता है, और इवन जिनके हाथ पर कंप्लीट ऐसा चिन्ह बन जाए जो रिंग ऑफ सोलोमन का चिन्ह है, तो ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज में जाकर काफी फेमस हो जाता है अपने अच्छे कर्मों की वजह से, और समाज में खूब मान सम्मान व्यक्ति को मिलता है। तो यहाँ पर यह थोड़ा सा कम बन रहा है, अधूरा बन रहा है, लेकिन इसके प्रभाव रहेंगे इस तरह के कुछ। और प्रोग्रेस लाइन की अगर बात की जाए तो काफी अच्छी प्रोग्रेस लाइन इनके हाथ में देख पा रहा हूं। इस तरह की एक रेखा जो आप देख सकते हैं इनकी माइंड लाइन से निकलकर बृहस्पति माउंट की तरफ बढ़ रही है, इसे प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है, और इस तरह की प्रोग्रेस लाइन होने से व्यक्ति अपनी लाइफ में खूब प्रोग्रेस करता है। आगे देखते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट को, हार्ट की लाइन विष्णु चिन्ह बना रही है, बिल्कुल इस तरह से आपको दिखाना चाहूंगा। यह जो चिन्ह बन रहा है यह विष्णु सिंबल है, इस तरह का चिन्ह जिनके भी हाथ पे बनता है ऐसे व्यक्ति काफी भाग्यशाली होते हैं और खूब तरक्की करते हैं लाइफ में, लेकिन जिनके हाथ पे यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा मैं यही एक सजेशन देता हूँ कि कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो लाइफ में बेनिफिट्स होने की बजाय नुकसान हो सकते हैं, और यह चिन्ह बहुत ऑस्पिशियस है, जो इंडिकेट करता है कि आप अपनी लाइफ में अगर सही रास्ते पर चलते रहेंगे तो खूब तरक्की कर पाएंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो विष्णु चिन्ह की एक लाइन है बिल्कुल नीचे की तरफ बढ़ती नजर आ रही है कुछ इस तरह से, यह जो एरिया रहता है मंगल का एरिया है, यह भी इनके हाथ में काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी अग्रेसिव टाइप की पर्सनैलिटी रहने के चांसेस भी इनके रहेंगे। आगे देखते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को, यानी कि मस्तिष्क रेखा काफी लंबाई में है, आप देख सकते हैं इस तरह की मस्तिष्क रेखा जो आगे चलकर थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक रही है, जो थोड़ी सी इमेजिनेशन टाइप की, इमेजिनेटिव टाइप की पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती है, और एक लंबी माइंड लाइन होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का माइंड काफी शार्प रहता है, और ऐसा व्यक्ति काफी पुरानी से पुरानी बातों को भी याद रख कर सकता है, और यही मेमोरी कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पुरानी बातों को नहीं भूल पाता, जिसकी वजह से कई बार थोड़ा तनाव या एंजाइटी होने के चांसेस भी रहते हैं। अब बात करते हैं इनकी लाइफ लाइन को, लाइफ लाइन आप देख सकते हैं बाहर की तरफ निकल रही है इनकी लाइफ लाइन, जो घर से दूर सेटल होने के चांसेस को दर्शाती है, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यहां से इनकी लाइफ लाइन कुछ इस तरह से, जो इसका मर्ज है वो इनकी भाग्य रेखा के साथ होता हुआ,
और यह कुछ इस तरह से बन गया। यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस भी आ रही है इस लाइन में, जो इन्हें माइनर हेल्थ इश्यूज दे सकती है 45 के आसपास की और 50 के आसपास की एज में। लेकिन यहाँ पर इस लाइन का इस तरह से बाहर की तरफ चलना इंडिकेट करता है कि काफी ज्यादा तरक्की भी लाइफ में रहेगी और घर से दूर जाकर बसने के चांसेस जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं इस तरह की लाइन होने की वजह से। और अब देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी लाइन में वीकनेस आ रही है, जो इंडिकेशन देती है कि कुछ वीक हेल्थ रह सकती है 45 के अबव एज में। थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, अदरवाइज लाइफ लंबी रहने वाली है। और इनके लाइफ लाइन के अंत में यानी कि केतु एरिया के ऊपर एक इस तरह का फिश का क्लियर चिन्ह बन रहा है। इस तरह का चिन्ह काफी अच्छा माना जाता है। जिनके भी हाथ पर यह चिन्ह बनता है ऐसे व्यक्ति को लाइफ में सडन वेल्थ गेन्स होते हैं। और इस तरह का चिन्ह होने से व्यक्ति घर से दूर जाता है और सेटल होता है, वहां से धन कमा सकता है और इवन फॉरेन ट्रेवल्स भी लाइफ में कई बार करता है जिनके हाथ पर इस तरह का चिन्ह हो। तो यह चिन्ह यहाँ पर इनहेरिटेंस दिलवाने में, इंश्योरेंस दिलवाने में काफी हेल्पफुल रहता है। और सडन वेल्थ गेन्स इस तरह के चिन्ह की वजह से व्यक्ति को लाइफ में कई बार हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो माउंट ऑफ वीनस है, वीनस माउंट उभरा हुआ है और यहाँ पर गर्डल ऑफ वीनस की कुछ इस तरह की फॉर्मेशन भी है, जिस वजह से कामुकता इनके भीतर थोड़ी ज्यादा रह सकती है। और यह जो रेखाएं हैं, यह रेखाएं फैमिली से मिलने वाली वरीज को इंडिकेट करती हैं। यह रेखाएं ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, जितनी ज्यादा डीप कट रेखाएं यह होती हैं उतनी ज्यादा वरीज व्यक्ति की लाइफ में हो सकती है, फैमिली मैटर्स की वजह से या फिर अपनी मैरिड लाइफ को लेकर भी कुछ चिंताएं ऐसे व्यक्ति को हो सकती हैं। अदरवाइज शुक्र माउंट का उभरा हुआ होना व्यक्ति को खर्चीला भी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं पा लेता है। चंद्र माउंट की बात की जाए तो चंद्र माउंट यहाँ पर एवरेज है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं और वीक भी इसको नहीं कहेंगे। कुछ ऐसी रेखाएं, बारीक लाइनें यहाँ पर ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाएं मल्टीपल ट्रैवलिंग्स को शो करती हैं। ऐसा व्यक्ति लाइफ में कई बार ट्रैवलिंग्स करता है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।